बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार से गुस्साए हिंदू अब बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं। वो बांग्लादेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बांग्लादेश की सरकार हिल गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनुस हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही है। वो हिंदू मंदिर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं से मुलाकात भी की। इस बीच ढाका में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ढाका में अपने ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों की बांग्लादेश की सेना के साथ सीधी टक्कर हो गई है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सेना के जवानों के साथ झड़प हुई है। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं के साथ हिंसा हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हो रही हिंसा के खिलाफ हिंदुओं ने राजधानी ढाका के जमुना स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, जिनमें उनके परिवार के उन सदस्यों के पोस्टर लगे थे जो देश में हिंसा की घटनाओं के दौरान लापता हो गए थे। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों और सेना के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। इधर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के सदस्यों से मंगलवार को बात की। यूनुस ने प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की और उनकी सरकार की भूमिका के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले धैर्य रखने का आग्रह किया। उन्होंने मुलाकात के दौरान कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने देश की दुर्दशा के लिए संस्थागत पतन को जिम्मेदार ठहराया। इस मुलाकात में यूनुस ने हिंदुओं से क्या बात की, एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। देखिए, ये तो आप लोग जानते हैं कि ढाकेश्वरी टेम्पल मंदिर, ये तो बांग्लादेश का जातीय मंदिर है, ठीक है, नेशनल मंदिर है। तो यहाँ पे उन्हीं आए थे, उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिला कर गया है कि सारे बांग्लादेश में जो मारपीट, जो हंगामा, जो तोड़फोड़ हुई, जितने सारे क्राइम हुई, उन सब का उन्होंने रियलिटी भावे खोद के निकाल के उन सब का विचार उन करेंगे, इन्वेस्टर करके। हाँ, एवं उसके साथ साथ उसने हमारे एक हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए, वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं आमदर के हम सबको ये विश्वास दिलाया है। और मैं आपको सबको ये सब अदबा करना चाहता हूँ कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद व उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है बा चेंज होता है, सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता है। हम ही सब रोशन का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम विश्वास रखते हैं कि उसने हमें जो विश्वास दिलाए हैं वो जरूर पूरा करेंगे। ये हमारा अंतर का विश्वास है।